नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज फिर कर लेते हैं कुछ बातें। तो क्या कर रही हूँ मैं इन सर्दियों में अपनी बगिया के साथ? आप लोग हमेशा कहते हैं कि आप जो भी करें, टमाटर में तो खासकर एक किसी व्यूअर ने लिखा था, आप जो जो करें वो अपडेट मुझे बताते जाएं। तो टमाटर में ही क्यों, मैं तो बगिया का रेगुलर अपडेट आपको दिखा रही हूँ कि इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, ठंड में मैं कैसे देखभाल करती हूँ बगीचे की। तो वैसे तो ये मौसम वेजिटेबल गार्डन के लिए सबसे पसंदीदा मौसम है। सब्जियों की भरमार है और फलवार पे आ रही हैं। हालांकि हम अभी दिसंबर में भी कुछ सब्जियाँ लगा सकते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। पर जो हमने सेप्टेम्बर में लगाई थी, अक्टूबर नवंबर में लगाई थी, जो अक्टूबर सेप्टेम्बर में लगाई थी वो तो फलने लगी, नवंबर वाली अभी थोड़ी सी ग्रोथ में है। तो सबसे पहले क्या करें कि जो फलने लगी हैं, मैं बड़ी परेशानियां भी बताऊंगी। ठंड में क्या होता है कि हमारा एफिड अटैक्स होता है और पाला भी पड़ता है, तो अंत में उसके बारे में भी बात करूंगी। पहले तो ये छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि जो फलवार मिल रही है हमें, इसे समय से तोड़ लें, ये एक टिप है। इसे नहीं तोड़ेंगे कि चलो कल ज़रूरत है कल तोड़ेंगे, आज ज़रूरत है, अगर तोड़ते नहीं हैं, पुराना फल नहीं हटता तो नए फल को खुराक कम पड़ जाती है, उसका साइज कम हो जाता है, नया फूल नहीं आता। खासकर गोभी में, अब ये तैयार हो गया लेकिन अब एक साथ इतने सारे गोभी लगाए हैं तो एक साथ आते हैं तो उखाड़ना नहीं हो पाता, इससे पर्पल रंग का गोभी पर्पल सा पीला सा गंदा सा रंग चेंज हो जाता है, तो उखाड़ लेना चाहिए उसे। बैंगन है, इन्हें तोड़ लें, वही बात इनके साथ भी है ताकि नई फलवार आई। हर फल को तोड़ने के बाद, तोड़ाई करने के बाद उसके कंटेनर में उसके आकार के अनुसार आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी दे दें, लिक्विड मैन्योर जो हो आप पे, लेकिन तोड़ाई के बाद गोबर खाद देंगे तो बहुत अच्छा है। मिर्च की बात कर लेते हैं। अब ठंड का मौसम है, पानी कम लगता है, धूप में उतनी गर्मी नहीं है, मिर्च में अगर ज़्यादा पानी देंगे तो उसका फूल झड़ जाता है। टमाटर में भी, बैंगन में भी ये होता है, तो पानी तब दें जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, ये टिप है। अधिक पानी देंगे तो फूल आएंगे और झड़ जाएंगे, फल आपको मिर्च खाने को नहीं मिलेगी, ये एक विशेष टिप है। तो बैंगन में क्या करें, आपने फल तोड़ लिए लेकिन इनके पत्ते पलट कर देखते रहें, इनमें एफिड अटैक होता है। एफिड अटैक ना हो इसके लिए जब से हमने पौध लगाई थी उसके 10-12 दिन से ही हम लगातार हर हफ्ते नीम ऑयल स्प्रे करते जाते हैं साबुन की घोल में मिला के, तो एफिड्स का अटैक कम होता है और पौधा झेल जाता है। एफिड अटैक को पौधा नेचुरली झेल जाए इसके लिए जो डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो मेंटेन करनी होती है, उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी चूंकि हमारे यहाँ तो छत है, इस पर कोई बड़ी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो हमें एफिड का झेल नहीं पड़ेगा। नीम ऑयल डालेंगे तो पहले से डालेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एफिड अटैक हो गए तो मेरा अनुभव ये कहता है कि फिर केमिकल ही काम करता है। हम लाख कहते रहें कि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, फिर आपको एक बार तो कम से कम यूज करना पड़ेगा ताकि वो एक बार पौधे बच जाएं, भले ही वो आप बहुत माइल्ड उसमें करें। इसके अलावा आप टमाटर के पत्ते भी पलट के देखें, मिर्च के भी पत्ते पलट के देखें, गोभी पर मेरा अपना अनुभव है, आज तक मेरी क्यारी में कभी कोई रोग नहीं आया, किसी और के यहाँ आता हो तो मैं नहीं कह सकती। ये बेजिल वगैरह है, इनकी हमेशा मैं ऊपर की ये मंजरी काट देती हूँ। अब अगर आपको बीज बनाना है तो आप कुछ मंजरी रख सकते हैं, इस समय है कि अब फल अच्छा बनेगा और हमें बीज अच्छा मिलेगा, और यही काम आप तुलसी के साथ भी कर सकते हैं। और नई मंजरी लेना है तो आप फिर काट दें ऐसे, तो पौधा और घना हो जाएगा। इसके अलावा क्या करना है कि एफिड्स के लिए तो आपने या तो आपने केमिकल यूज़ किया या फिर आप नीम ऑयल लगातार करते रहे, तो एफिड्स से तो आप बचा लिया आपने। अब बात करते हैं ठंड की, कि जब ठंड पड़ती है तो कैसे पौधे को नुकसान होता है, कि जब अधिक कम तापमान होता है तो ओस की बूंद जो आसमान से गिरती है वो एक इतनी ठंडी होती है कि बर्फ़ की गोली जैसी होती है, और वो जहाँ पड़ती है वहीं से पत्ता जल जाता है, झुलस जाते हैं ठंड से भी पौधे। टमाटर तो बहुत जल्दी झुलसता है, टमाटर पे एकदम से पाला पड़ जाता है। तो गांव में किसान खेत के चारों कोनों पे मेड़ पे धुआं कर देता है, और वो धुआं से टेम्परेचर चेंज होता हो या वो धुएं के उसमें बूंद अटकती हो, जो भी कुछ होता हो, बचत हो जाती है। इसके अलावा देखिए आप, ये आपका पॉइंशेटिया है, ये
अगर इसे धूप में रख देंगे तो इसके पत्तों में अच्छे कलर आ जाएंगे, क्योंकि इसके पत्तों में ही ब्यूटी होती है। पाले के लिए एक टिप और बताती हूँ कि आप अगर जब अपने जब मौसम बहुत ठंडा हो तो क्यारी में पानी दे दें, मिट्टी गीली होगी तो पाला नहीं पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो धुआं कर दें या आप पानी दे दें। तो बहुत आसान सी टिप्स हैं, मैंने गांव में देखी थी जो मैं साझा कर रही हूँ, कि बहुत कम मौसम हुआ तो वो खेत में पानी दे देते थे गेहूं चने के में, तो फिर पाला नहीं पड़ेगा। ये था उनका वैज्ञानिक कारण, जो भी रहा हो वो कृषि विशेषज्ञ कोई बता सकता है। इसके अलावा बस आप नीचे के पत्ते जो जमीन से टच हो रहे हैं वो तोड़ते जाएं। टमाटर अगर ऊंचा जा रहा है तो आप उसमें धागा बांधें, नीचे के पत्ते जो पीले हो रहे हैं वो तोड़ दें। अडेनियम वगैरह जो आपके रखे हैं, जो जो डेजर्ट प्लांट हैं, जो धूप लविंग प्लांट हैं, उन्हें आप ऐसी जगह रखें कि दिन भर की धूप मिले। और बोगनवेलिया अगर आप उसको ऐसी जगह रख देंगे शेड होगी तो वो भी नहीं खिलेगा। तो जो जो आपके पास पौधे हैं वो आप ध्यान रखें, अडेनियम है, बोगनवेलिया है, ये फुल सनलाइट में चलने वाले पौधे हैं, तो इनको ऐसी जगह रखें जहाँ खूब दिन भर की धूप मिले, पानी सीमित इसमें डालें। और विशेष कुछ सर्दी की केयर होती नहीं है, सर्दी में कम से कम केयर में बगीचा सरवाइव कर जाता है। बस तेज ठंड जब हो तब आप बचा लें, क्योंकि पाला पड़ने के समय पे अगर दो चार गमले हैं तो आप उठा के उन्हें शेड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मेरी तो बड़ी क्यारी है, तो अगर आप चाहें लगे कि जिन दिनों बिल्कुल 15-14 से भी नीचे जा रहा है टेम्परेचर, तो आप ग्रीन नट भी डाल सकते हैं। धुआं हम छत पे तो खैर क्या करेंगे। ये देखिए टमाटर को मैंने बिल्कुल दीवार के सहारे रखा है, ये भी एक उपाय है कि जब ओस की बूंद आएगी तो ये दीवार के सहारे थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं पड़ेगी और बच जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।